आई मीनू तू घरा तो के ले आई है बैग में, इस यू बैग भरा पड़ा था, के ले आई है इसमें? अच्छा के ले आई है? सारे कुछ ले आई होगी ना तू, तो जो पिछली बार ना लेके आई, पिछली बार तेरी माँ ने कुछ ना दिया। और कान खोल के सुन ले, जब भी आवे तो मेरे कपड़े और पंकज के कपड़े और तेरे ससुरा की लोई या फिर कुर्ते पजामे और लेके आया कर, जाते ही तेरी माँ ने कान खोल के सुन दी, बता दिया कर, आई समझ में? और सुने, जो भी थारे हिस्सा आवे तेरा, वो हिस्सा है ना, तो अपना ले लिए। हाँ इब तो सरकार ने भी जमीन जायदाद पर बेटी का पूरा हक रखा है। हाँ मन बेरा है कि थारे 2 किले आवे हैं, 3 किले आवे हैं, 1.5 किला तेरा हो जाएगा, 1.5 तरबाई का। हाँ मम्मी जी बहुत घना ले आई हूँ मैं तो। हाँ 1-2 सूट मेरे ले आई हूँ, 1 सूट आपका ले आई हूँ, और पंकज की ड्रेस ले आई हूँ, और मेरे ससुरा का भी ले आई हूँ। हाँ और 2000 रुपये दे दिए मेरी माँ ने, 500 रुपये मेरी भाभी ने दे दिए। हाँ तो इतना तो गुणाए है मम्मी, और कितना को आया करा है? पिछली बार भी तुम्हें तो ले आई थी तो किसारा घर उठा लिया हूँ ना मम्मी, जितना उनका बना है चोरी के हिसाब से उनने दे दिया, और मेरे कौन मांगा जा, क्यों अपने की कमी है? पापा कमान लाग रहे हैं, पंकज कमान लाग रहे हैं, फिर बता क्या जरूरत है? और फिर मैं भी तो लाग रही हूँ, मेरे बाबू ने तो कह दी थी कि मेरे दो तो किमा को नहीं, मन छोरी पढ़ा लिखा दी और नौकरी लगवा दी, और इब थारी है पढ़ाना लिखाना दिया था जो करवा दिया मैंने, और ये पढ़ाना जो भी करना है वो तुम करो। सुन जो वो 1.5 किला तेरा हो ना, वो अपने इब की बार जावे तो तेरे बाबू ने कह के तेरा नाम करवा ली, और वो तो थारी 2 मंजिली मकान है, 1 थारा फ्लैट है, उन माता 1 हिस्सा तेरा भी तो है। हाँ आधा तेरे भाई का हो जाएगा, आधा तेरा हो जाएगा, जमीन जायदाद मैं सबका बेटी का हिस्सा आवे। हाँ और कह दी तेरे बाबू ने, चल पड़े रहने दी घर ने तो पड़े रहने दी, नहीं तो जो 1.5 किला आज बेरा है, 1.5 किला की कीमत कितनी है? 1.5 किला आवे वो अपना नाम करवाएगी। हाँ अपना भी कुछ बस कुछ अपने द्वारा भी हो जाएगा, कुछ तो पंकज का नाम है और कुछ तेरा नाम हो जाएगा, और दोनों अपना ठाठते रहेंगे, फिर बेच देंगे उसने अपन के, खेती थोड़ी करनी है। हाँ ठीक है, इब की बार समझ ले कान खोल के, इब की बार जावे तो तेरे बाबू को तेरा नाम करवा ली। हाँ के कहते मम्मी थोड़ा ले आई हूँ, इतना थोड़ा हुआ है, और के कहे थे कि मैं जमीन नाम करवा लूँ, किला नाम करवा लूँ, शर्म कर ले कुछ। इब तक तो मैं चुप थी, और मारे घर का गबारा मैं कुछ भी कह दिया है ना मम्मी, मेरे बर्दाश्त नहीं होगी, मैं नहीं सुनूंगी बिल्कुल भी। बेरा मेरे बाप ने कितना दिया था, अपनी औकात तो भार दिया था, ब्याह का भर भर के ने इतना दहेज दिया था, सरकार की माननी, सरकार ने रूल तो निकाल रखा है कि दहेज भी ना लेना, अर्थ हमने दहेज भी लिया। और ईब के करो तो कि वो घर भी मैं ले आऊँ, जमीन भी मैं ले लूँ, तो मेरा भाई क्या करेगा? मेरे भाई ने भी लिया हूँ, बुरे रख लियो तुमने बेरा है, तब के कहो लिस्ट बना दूँ, ले लिस्ट मैं बनाऊँ कि मेरे बाप का कितना कर्जा है। मेरे बाप ने घर बनाया जद कर्जा होया, मेरा ब्याह कराया जद कर, जितना भी कर्जा होया है ना, अरे मेरे बाप का कर्जा है वो सारा कर्जा दे दो, ठीक है? तुमने तो लेन लेन का है, बस लिस्ट मैंने बना रहा किरिया ले, लिस्ट ले और ये सारा कर्जा दे दे और मैं ले आऊँगी। आई समझ में बात? थोड़ा नू समझ में को नहीं आती, हम तो नू सोचिए कि बहू तो शुद्धि से कुछ बोल रहा है कौन,